इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा शहर की पुरातन कान्ह व सरस्वती नदियों को वाटर प्लस के अंतर्गत साफ कर पुनर्जीवित किया गया व इनमें आने वाले 7200 से अधिक सीवेज आउटफॉल्स को बंद कर सीवेज लाइंस को पाइप नेटवर्क से जोड़कर शहर में स्थित विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर भेजा जाता है। इस एसटीपी पर सीवरेज से निकलने वाले कुल 369 एमएलडी पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग किया जाता है तथा इससे निकले स्लज को उपचारित करने के लिए 100 टीपीडी क्षमता के स्लज हाइजिनेशन प्लांट की स्थापना की गई। यह देश का पहला सबसे बड़ा बहुआयामी प्लांट है जो अत्याधुनिक व अनूठी तकनीक से स्लज को उपचारित करता है। यह प्लांट अत्याधुनिक मशीनरी से सुसज्जित है जिसे भूमि से 7 मीटर गहराई में निर्मित किया गया है तथा यह प्लांट पूर्णतः स्वचालित है जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से मानव स्पर्श को निषेध किया गया है। इस प्लांट के संचालन में तकनीकी सहायता के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिसर्च को इंदौर ने क्रियान्वित करते हुए एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा इंदौर स्मार्ट सिटी को 5 करोड़ लागत का कोबाल्ट 60 निःशुल्क प्रदान किया गया है। एसटीपी के पास ही निर्मित इस प्लांट पर सबसे पहले स्लज को सुखाकर 7 मीटर गहराई के बेसमेंट में स्लज हैंडलिंग यूनिट में भेजा जाता है जहां स्लज के ड्राई केक्स को क्रश कर 4 से 6 मिलीमीटर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम बॉक्स में इस स्लज को 2 मीटर मोटी दीवार वाले बंकर में कोबाल्ट 60 द्वारा रेडिएशन देकर उपचारित कर इसके अंदर मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर इस स्लज को खाद में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस उपचारित स्लज को आनंद यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनाई गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बायो एनपीके का छिड़काव कर फर्टिलाइजर के रूप में उन्नत उत्पाद प्राप्त किया जाता है जिसके बाद इस फर्टिलाइजर को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा 25, 50 व 100 किलोग्राम की बोरियों में पैक किया जाता है। इस खाद का उपयोग इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित उद्यानों में किया जा रहा है साथ ही इसे क्षेत्र के किसानों को भी विक्रय किया जा रहा है। इस प्लांट को पूर्णतया सोलर ऊर्जा से संचालित कर सस्टेनेबल मॉडल विकसित किया गया है। बरसात के मौसम में जब स्लज को सुखाना मुश्किल होता है तब क्षेत्रीय फसलों जैसे डिहाइड्रेटेड लहसुन और प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें कोबाल्ट 60 के रेडिएशन द्वारा उपचारित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है जिससे इस प्लांट द्वारा आय का नया स्रोत निर्मित होगा। इंदौर का स्लज हाइजिनेशन प्लांट देश का पहला बहुआयामी प्लांट है जो पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ सस्टेनेबल भी है।